हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदनी आज आपके लिए लाई हूँ लैपटॉप बैग। और इसके लिए हमें सामान चाहिए 16x12 के दो पीस, और ये मैंने क्विल्टेड पीस लिए हैं इस तरह से। ये दो पीस हैं 16x12 के, और फिर इसके बाद है 16x12 का वन पीस, वो होगा हमारा प्लेन पीस। यहाँ लिखा हुआ है प्लेन क्लॉथ, ये इस तरह से। ये मैंने डबल कपड़ा किया हुआ है इसको, और ये सिलाई आपको दिखाई दे रही होगी, मैंने इसको डबल कर दिया है, लेकिन ये क्विल्टेड नहीं है, प्लेन है। और फिर इसके बाद मैंने लिखा है 16x7 का वन पीस, ये भी जैसे ये वाला पीस था डबल, उसी तरह से ये डबल तैयार किया है। ये देखिए, क्रॉस करके मैंने इसमें इसको पूरा सा डबल कपड़ा करके ऐसे ही सिंपल क्विल्ट कर दिया है। फिर इसके बाद मैंने लिखा है 7x4 का वन पीस, तो इसी के साथ ये हमने लगाया है 7x4 का वन पीस। और वेलक्रो आप देख ही रहे हैं, 4 इंच का लगा हुआ है, ये 4 इंच, ये 7 इंच, और इसको हमने ऐसे लगा दिया है। तो एक पीस हमारा ये हो गया। फिर इसके बाद हमें बेल्ट चाहिए 32 इंच की, और 32 इंच लंबी चाहिए, और 3 इंच ज़्यादा नहीं लेंगे हम, क्योंकि लैपटॉप बैग बना रहे हैं तो केवल लैपटॉप के लिए बनाएंगे, और थोड़ा सा उसमें उसका जो चार्जर वगैरह है या माउस वगैरह है या हेडफोन वगैरह है, थोड़ी बस उसकी ज़रूरत भर की चीज़ें रखी जाएँ। इस हिसाब से मैंने उस लैपटॉप बैग की चौड़ाई केवल जो उसकी जो डेप्थ है वो जो है 3 इंच रखी है, और उसको मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। ये 32 और 25 दो बेल्ट हमें चाहिए होंगी, तो जो 25 वाली बेल्ट है इसमें ये देखिए बीच में मैंने डॉट के निशान लगाए हैं, इसमें मैंने जिप लगाई हुई है, और इस तरह से इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी जिप वाली पट्टी है, ये 25 इंच की है, और जो नीचे साइड वाली है जो नीचे बॉटम तक जाएगी ये 32 इंच है। और इसके साथ ये बेल्ट है जो स्लिंग करने के लिए है, तो आप अपने लिए भी बना रही हूँ, चाहे अपने हस्बैंड के लिए, चाहे बेटे के लिए, किसी के लिए भी बना रही हूँ। तो जेंट्स की लंबाई के हिसाब से रखते हुए, अभी तक तो जो भी मैं लेडीज़ स्लिंग बैग बताती थी तो उसमें 40 या 45 इंच की बेल्ट रखती थी, आज मैंने ये जो है 50 इंच की रखी है। 50 इंच इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो पुरुष जाती है वो उनकी लंबान ज़्यादा हो जाती है महिलाओं से, तो उसकी स्लिंग के लिए 50 इंच बेल्ट रखी है। और बेल्ट के लिए जो मान लीजिए स्लिंग नहीं करना है और केवल हाथ में ही कैरी करना है, तो उसके लिए हमने 16 इंच की बेल्ट लगाई है। तो पहले ये देख लें, ये जो स्लिंग वाला हिस्सा है इसको इस तरह से जोड़ा गया है, जैसे कि मैं और बैग में बताती हूँ, इस तरह से ये डी लूप में लगा करके, फिर ये हमने पूरी बेल्ट लगाई है, ये बक्कल लगाई है एडजस्ट करने के लिए कि लंबाई के हिसाब से कि कितना लंबा हमें कंधे से स्लिंग करना है लैपटॉप बैग, तो उसके लिए बक्कल लगाया है एडजस्टमेंट के लिए, और ये एक दूसरी तरफ डी लूप, और इस तरह से ये पूरी बेल्ट हमने गोल गोल तैयार कर ली है, और उसको केवल हमें जोड़ना है। और मैं बात कर रही थी बेल्ट और हैंडल लिखा है 16 इंच का, तो ये मैंने इसी 12x16 के पीस में ये बेल्ट लगा रखी है। इस बेल्ट को ठीक उसी तरह से जैसे अभी तक मैं बेल्ट बताती आई हूँ, और ये देखिए ये चौड़ी बेल्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगी, और इसको यहाँ से बस इस तरह से मोड़ के सिल दिया है। अब चूंकि ये लैपटॉप बैग है तो इसको मजबूती चाहिए हैंडल को भी और बैग को भी, तो इसलिए मैंने ये, और सिमिलरिटी रहे पूरे बैग में कि स्लिंग में वही लगा है तो इसको भी वही लगा दिया है, तो एक जैसा दिखेगा, अच्छा लगेगा। तो इस तरह से 16 इंच की ये बेल्ट है पूरी, इस तरह से ले ली है, और दोनों पीस में मैंने इसको लगा के रेडी कर दिया है। लगाने का तरीका वही है, बीच में सेंटर निकाल के, फिर इसका सेंटर निकाला, इधर से सेंटर निकाला, और बेल्ट जोड़ दी है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस के बाद हमें सामान चाहिए, मैग्नेट, वेलक्रो, डी लूप, ये सब मैंने बता दिया आपको, मैग्नेट अभी बताती हूँ कहाँ चाहिए। जिप सारी लग चुकी हैं, और एक जिप बताना भूल गई हूँ अभी, तो वो साइड वॉल में बताया था। एक जिप हमें इस पीस में, जो हमारा 16x12 का जो पीस है
उसमें यहाँ पर करीब हम 4 इंच नीचे, 4 इंच डाउन जा करके ये पूरे में जिप लगाएंगे और डबल रनर हमें चाहिए होंगे। ये आपका बैक का पीस होगा। अब फ्रंट के लिए क्या करना है, ये देखिए ये फ्रंट का है, इसमें भी हमने कुछ नहीं किया है, इसमें केवल बेल्ट है। इसके लिए हमें चाहिए एक 9x9 का स्क्वायर पीस, ये मैंने तैयार किया हुआ है, ये देखिए 9x9 का है। नीचे हल्का सा इसको बैक को, क्योंकि अब हम खुद बना रहे हैं तो बैक के साथ सज्जा अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरा स्क्वायर रख सकती हैं। और इसको अभी पाइपिंग लगाना मैं बताऊंगी, अभी आधी पाइपिंग बस सीधी तब से जोड़ी गई है, उल्टा साइड ये है। 9x9 का पीस है और नीचे डाउन की तरफ जो बॉटम की तरफ रहेगा हल्का सा राउंड शेप दे दिया है और मैग्नेट इसमें लगा दिया है। और इसके फ्लैप के लिए ये ऊपर मैंने दूसरा पीस तैयार किया है, ये 9x7 का पीस है, ये वाला 9x7 का पीस है और यहाँ पर एक मैग्नेट दिया है जो इसमें ऐसे जाके फिट हो जाएगा। ये देखिए मैग्नेट हमेशा नीचे रखिए, कभी भी ऊपर मत रखिए, ये फ्लैप जब भी गिरेगा अपनी जगह जाके ये चिपक जाएगा और बंद हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए बंद हो गया, तो ये हमारा जो है ये पीस फ्रंट में जाएगा इस तरह से, और जब ये बन जाएगा तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि जोड़ना कैसे है और क्या क्या पहले लगाना है। तो इतनी चीज़ें हमें चाहिए होंगी, आपने नोट कर लिया होगा। अब सबसे पहले हम ये पॉकेट लगाएंगे और ये जो मैग्नेट यहाँ पे दिख रहा है तो ये जो ऊपर फ्लैप में आएगा, इसके लिए मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे अब ये लैपटॉप बैग है, अगर लेडीज़ कैरी कर रही हैं तो अपने हिसाब से उसके साथ सजा करके कुछ भी पैच वगैरह लगा सकती हैं, लेकिन अगर आपका बेटा है, देवर है, भाई है, हस्बैंड है, किसी जेंट्स के लिए बना रही हैं तो मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे पैच मिलते हैं, जैसे जीन्स वगैरह फट जाती हैं उनमें लगाने के लिए या बच्चों के बैग में लगाने के लिए, तो वो जेंट्स के हिसाब से पैच यहाँ पर एक लगा दीजिए। अगर नहीं मार्केट जाने का मौका है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जीन्स में जो घर की पुरानी जीन्स घर में पड़ी हो तो उनमें जैसे कंपनी वाले बड़े बड़े लेदर के टैग लगे रहते हैं उनको काटिए और फैब्रिक ग्लू से चिपका दीजिए, सिंपल। और ये ढक भी जाएगा और आपका जो है बैग ऑटोमेटिक ब्रांडेड हो जाएगा। तो अब इसको हम सबसे पहले पॉकेट लगाते हैं। पॉकेट लगाने के लिए यहाँ से शुरू करेंगे, ये हमारा ऊपर का हिस्सा है, ये पहले इसकी हम पाइपिंग यहाँ तक पूरी तैयार कर लेंगे इस तरह से, इतनी पाइपिंग हम इसको यहाँ डबल करके सिल देंगे, केवल ऊपर का हिस्सा। ये हमारी जो ऊपर की साइड की पाइपिंग है ये लग के ऐसे तैयार हो गई है। अब बाकी ये जो पाइपिंग है सिंपल इसको यहाँ रखना है इस तरह से। अब ये हमारा साइड तो खुला रहेगा, ये ऊपर का है, बेल्ट के पास ऐसे रखें, बेल्ट से बस थोड़ा ही नीचे रखें, करीब 1 इंच नीचे यहाँ बेल्ट से। ये बेल्ट जो है 2 इंच नीचे डाउन से लगाई गई है क्योंकि हमारा ये जो हमने कट किया था ये 4 इंच है, तो 2 इंच नीचे लगाने के बाद फिर हमने यहाँ जब जिप जोड़ी तो यहाँ पे हमें 1 इंच का स्पेस मिल गया है, बाकी 1 इंच सिलाई में इधर उधर निकल गया। तो यहाँ पर भी 1 इंच नीचे से इसको हम लगाएंगे और ये जो पाइपिंग है जो बाहर निकली हुई है इसको बस हमें यहाँ सिंपल ऐसे मोड़ना है। ये तो हमने तैयार कर दी, अब इस पाइपिंग को इस तरह से अंदर करना है, यहाँ पे डबल मशीन देते हुए अंदर दबाते हुए पूरा सिल जाना है।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये पाइपिंग तो पहले से रेडी करके लगाई जा सकती थी, लगाई जा सकती है, लेकिन जब बात सफाई की हो तो सोचना पड़ता है। अगर हम ये पाइपिंग पहले से रेडी कर लेते तो इस पे फिर से जोड़ने पर हमें दो मशीनें दिखाई देती। ऐसे तो एक ही बार में एक मशीन दिखाई दे रही है। अभी जैसे इस पे है, अभी इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ पे एक मशीन पहले से चला चुके हैं, फिर हम चलाएंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा सिलाई दिखाई देने लगती है। इससे अच्छा है कि एक मशीन यहाँ दिख रही है तो पूरे में ये एक मशीन दिखाई देगी और चीज़ भी आसानी से सफाई से जुड़ जाएगी। आपके सामने खुद ही दिख रहा है कि सफाई से ये पूरी पाइपिंग लग चुकी है। अब इसके बाद हमें लगाना है फ्लैप। अब ये हम बटन लगा देंगे, यहाँ पे ये बटन लग गया और इसको थोड़ा सा ये बस हैंडल के ऊपर थोड़ा सा रखते हुए इसको पूरा सिल जाना है। हैंडल इसके नीचे दब जाएगा, जो कि मैं पहले से जोड़ रखी हूँ, ये हैंडल के ऊपर से सिला जाएगा। यहाँ से ये देखिए, ये हैंडल जुड़ा है और ये पाइपिंग इसके ऊपर जा रही है और ये लास्ट पाइपिंग यहाँ पर इधर आ रही है, एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर ये पाइपिंग जुड़ गई है। अब ये पाइपिंग मैंने पहले से जोड़ी थी तो ये इसकी सिलाई यहाँ थी, लेकिन जब ये इसमें जोड़ा, इस बेस में कपड़े में जोड़ा, तो इसकी पाइपिंग को हमने यहाँ से जोड़ा है। यहाँ पर ये डबल सिलाई ऑटोमेटिक दिखाई देगी, देखने में ऐसा लगेगा कि हाँ डबल सिलाई से इसको सिया गया है, लेकिन ये एक सिलाई में ही केवल इसको टिका दिया है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा पैर तैयार हो गया। अब ये फ्लैप इसलिए ढीला रखा है कि मान लीजिए सपोज आपने कोई इसमें सामान रखा, अब सामान रखने के बाद ये फूलेगा तो हमको इसमें ये इस तरह से पूरी स्पेस मिल जाएगी। जब इसके अंदर सामान रखा जाएगा तो इसके साथ ये जो का जो कवर है ये टाइट नहीं होगा, ये पूरी स्पेस लेके फूल जाएगा। तो ये था इसका ऊपर का हिस्सा, इसमें आप कोई पैच लगा दीजिए। अब इसके बाद हमें काम करना है इसी पीस में जिसमें हमने आगे की पॉकेट लगाई है, जो हमारा वेलक्रो वाला पीस था। सबसे पहले ये पीस लेंगे और जो 7x4 का पीस है, इसमें ये जो वेलक्रो का नरम हिस्सा होता है, जो एकदम स्मूथ होता है, उसको इस पे लगाना है ताकि जब हम खोलें तो हमारे कपड़े में ये वेलक्रो, क्योंकि ये टाइट होता है, ये कपड़े में भी चिपक जाता है, चूड़ियों में भी फंसता है, जो भी आपके हाथ में होगा अंदर जब किसी कोई सामान निकालेंगे तो उसमें ये फंसेगा और दिक्कत करेगा। इससे अच्छा है कि इसको नीचे कर दिया जाए और इसको ऊपर कर दिया जाए। तो ये जो नरम वाला हिस्सा है इसको हम ये लूप, बड़े वाले लूप में लगाएंगे। और जैसा कि मैं बताती हूँ कि बैग का सेंटर निकालना है, सेंटर निकला हुआ है, ये सेंटर है, आपके सामने निशान लगा दिया, इसमें भी मैंने कट किया हुआ है, यहाँ पे वेलक्रो लगा हुआ है। अब ये सेंटर से सेंटर मिला के इसको पहले हम यहाँ पे एक मशीन चला देंगे, बेल्ट अंदर कर देंगे।
ये लग गया। अब इसके बाद हमें ये हिस्सा जोड़ना है। याद रखिएगा, इस पॉकेट को लगाने के बाद ही ये लगेगा, क्योंकि अगर इसको पहले लगा दिया तो ये पॉकेट लगाते समय ये पॉकेट आप यहाँ से ऐसे सिल जाएगी, इसलिए इसको बाद में लगाना है। और इसको करना क्या है, बस यहाँ से यहाँ किनारे किनारे तीन एरिया में सिल देना है, ये साइड में, ये साइड में और ये साइड में। इसको अब हम जोड़ देते हैं तो हमारा एक हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि जो आपके पास लैपटॉप है, मान लीजिए ये लैपटॉप है, अब लैपटॉप तो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ इसलिए नहीं बता पाऊँगी, मान लीजिए ये लैपटॉप है आपका, तो इस लैपटॉप, वैसे तो जब हम खरीदने जाते हैं तो उसका जो स्क्रीन है, इस तरह से आपको दिखाती हूँ मैं, जब लेने जाते हैं तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर ऐसे टेढ़ा नाप के उसके स्क्रीन के हिसाब से लैपटॉप मिलता है कि हाँ भाई हमको इतने इंच का टीवी या लैपटॉप चाहिए। उसका मॉनिटर इस तरह से ट्रायंगल बीच में से कट करके उसका मेजरमेंट लिया जाता है, लेकिन चूंकि हम लोग घर में बना रहे हैं, बैग बना रहे हैं, तो बैग के लिए हम ऐसे उसका मेजरमेंट नहीं लेंगे, वो स्क्रीन का अलग होता है, इसको हम सीधा इस कोने से इस कोने से इस कोने लेंगे और इस कोने से इस कोने लेंगे। कॉर्नर टू कॉर्नर जो भी आपका इंच में आ रहा है उस हिसाब से इसका नाप लेना है। तो मेरा जो लैपटॉप है उसकी जो इधर वाली इधर की लंबाई है ये 9 इंच है और ये 14 इंच है, तो मैंने उसी हिसाब से इसको लिया है, ये मैंने 12 कर दिया है और ये मैंने 16 कर दिया है, इसलिए कि बैग जब लैपटॉप बैग लैपटॉप उसकी चौड़ाई भी आएगी, उसमें हम उसका चार्जर भी रखेंगे, उसमें हेडफोन भी रखेंगे, उसमें माउस भी रखेंगे, उसमें थोड़े बहुत कागजात भी रखेंगे, जो और भी सामान होता है, पेन ड्राइव होता है, दुनिया भर की जो भी उसके साथ की एसेसरीज हैं स्टेशनरी के, हमारी अपनी स्टेशनरी के अलावा, तो इसलिए थोड़ा सा बैग बड़ा ही बनाएंगे। तो ये हमारा एक हिस्सा तैयार हो गया, ये हमारा वेलक्रो लग गया, ये हमारी बड़ी पॉकेट हो गई। लैपटॉप बैग में अंदर की तरफ छोटी पॉकेट ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, जितनी है बड़ी पॉकेट बनाइए, फाइल रखने के लिए बनाइए, इस तरह से। ये हमारा अभी एक हिस्सा तैयार हुआ है फ्रंट का। अब हम आएंगे बैग की तरफ, इसमें हमारा हैंडल लग गया, इसमें हमारा एक पाउच आगे हो गया, इसमें एक अंदर पाउच बड़ा हो गया, ये पूरा स्पेस लेगा 16 इंच का, इसमें फाइल वगैरह भी आप रख सकते हैं, जरूरी कागज भी रख सकते हैं। ये हमारा एक फ्रंट तैयार हो गया। अब हम आते हैं बैक की तरफ। बैक में जैसा कि मैंने बताया ये हैंडल लगा हुआ है और यहाँ पर मैंने 4 इंच नीचे जा करके डाउन जा करके पूरी 16 इंच की लंबी जिप लगाई है। छोटी पॉकेट केवल फ्रंट में एक दी है 9x9 वाली। तो अब इसमें हमें ये हमारा तैयार है, जिप लगी हुई है, आप बैक साइड से भी देख सकते हैं, जिप पूरी कंप्लीट दिख रही है। बैक साइड से इसलिए मैंने दिखाया कि हो सकता है ये ब्लैक आपको इसमें जिप कंप्लीट दिखाई ना दे। अब हम ये जो हमारा दूसरा प्लेन कपड़ा है इसको हम सिल देंगे। और अब आप सोच रहे होंगे, एक चीज़ यहाँ पे मैं और क्लियर कर दूँ कि इसको तो मैंने इस तरह चेक से क्विल्ट किया है, इसको नहीं किया है, इसको इसलिए क्विल्ट किया है क्योंकि इसमें वेलक्रो है। ये हमारा डबल कपड़ा है, ये जो हमने प्लेन कपड़ा लगाया था ये डबल है। अगर वेलक्रो ऊपर वाले हिस्से में लगाते तो ये कपड़ा खींचता, डबल दोनों परत अलग अलग हो सकती थी, सिर्फ यहाँ पे सिलाई मात्र देने से ये नहीं मजबूत पकड़ेगा, इसलिए इसको कपड़े को अपनी तरफ, वो कपड़ा अपनी जगह टिका रहे, मजबूती आ जाए कपड़े में, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे सिंपल चेक से काट दिया है। इसी तरह इसकी लूप में भी किया है, इसको यहाँ पूरी टेंशन दे दी है ताकि जब वेलक्रो खोला जाए खींचा जाए तो ये इस कपड़े पे जोड़ना है, ये धागा सारा जो उसका तनाव है खींचने का वो ले लिया।
इसलिए इसको क्वेल्ट किया है। ये सब बारीकियां हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बहुत डीपली अपने हिसाब से मैं बता देती हूँ। अगर आपको कभी कुछ समझ में ना आए तो आप उस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हमारा ये बैक साइड आ गया, इसको सिंपल हमें इसके ऊपर रखना है और इसको सिल देना है। मेरी लाइनिंग थोड़ी बड़ी हुई है अंदर की, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा थोड़ा सा बड़ा लेके चलती हूँ। अब इसको हम चारों तरफ से सिल देंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है आप सबके में, आप जितने लोग देख रहे हैं, किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि डबल क्यों, ये जो हम कपड़ा जोड़ रहे हैं ये डबल क्यों। डबल इसलिए कि कपड़ा अगर पतला है तो डबल कीजिए, कपड़ा अगर मोटा है तो कोई बात ही नहीं। जैसे अगर जीन्स का कोई कपड़ा लगा रहे हैं तो आपको, या किसी बेडशीट का कपड़ा लगा रहे हैं, अगर घर पे बना रहे हैं कोई सब सब सामान अरेंज करके तो मैं बता रही हूँ। नया कपड़ा ले रहे हैं तो मोटा अगर ले रहे हैं, केसमेंट वगैरह का ले रहे हैं, ट्विस्ट्री का ले रहे हैं, तो उसको डबल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पतला कपड़ा है आपका, सिंथेटिक है या कॉटन है जो भी है, तो अगर पतला है तो उसको डबल करना है आपको, क्योंकि ये लैपटॉप बैग बना रहे हैं और लैपटॉप आजकल सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो उसके ख्याल के हिसाब, उसकी महत्ता के हिसाब से बैग की महत्ता भी रहेगी, इसलिए यहाँ पे ये डबल कपड़ा मैंने लिया है। और खुरखुरा कपड़ा ना लें, जैसे कुछ रेशेदार कपड़े होते हैं जो छूते ही बड़े अजीब से महसूस होते हैं। कपड़ा स्मूथ होना चाहिए लैपटॉप के हिसाब से, लैपटॉप जैसे बड़ा कोजी सा होता है, नाजुक सा होता है, बहुत संभाल के रखने की चीज़ है। अंदर ज़्यादा क्विल्टेड कपड़ा लगाने से बैग बहुत मोटा हो जाएगा तो बहुत बेकार लगेगा, इसलिए इससे अच्छा है कि कपड़ा लगाएं, मोटा कपड़ा लगाएं या फिर पतला है तो डबल लगाएं, ऊपर तो क्विल्टेड है ही। तो ये था एक जानकारी और, ये हमारी एक पॉकेट ये भी तैयार हो गई। ये देखिए ये पूरी इस तरह से ये पॉकेट हमारी अंदर तैयार है। अब ये जो बड़ी पॉकेट है, इसलिए मैंने बड़ी ली है क्योंकि ज़्यादातर ज़रूरी कागजात वगैरह हम साथ में लेके चलते हैं। सारी चीज़ें लैपटॉप में ही नहीं होती, लैपटॉप के साथ भी कागज़ की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कोई आपने प्रिंटर प्रिंट आउट निकाला, या कोई ज़रूरी दस्तावेज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, उसको रख लिया, ऑफिस जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, तो उसके लिए एक बड़ी पॉकेट साथ में ज़रूरी है। अब दो बैग तो साथ जा नहीं सकते, ले जाने वाले ले भी जाते हैं, लेकिन अगर लैपटॉप से संबंधित कोई काम है तो उसके उसका सामान उसके साथ ही रहेगा, तो इसलिए एक बड़ी पॉकेट बैक साइड में। बैक साइड में इसलिए क्योंकि वो ज़रूरी कागजात है, इसलिए वो बैक साइड में। तो ये था इसका एक आइडिया। और यहाँ पे मैंने एक सेंटर निकाला हुआ है और इसके बॉटम में एक सेंटर निकाला हुआ है, इस पीस में भी सेंटर निकाला है और यहाँ ऊपर भी सेंटर निकाला है। तो अब आइए इसको हमें जोड़ना है। ये जो हमने बेल्ट तैयार की थी, इस बेल्ट की भी हमने यहाँ पे सेंटर निकाला है। ये जिप वाला एरिया है हमारा, जैसा कि मैं बताती हूँ,
इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे और ये सेंटर निकालेंगे, इधर भी और इसको जोड़ देंगे। बेल्ट हटा देंगे और इसको सीधी तरफ से जोड़ेंगे इस तरह से, ताकि हमारे अंदर सफाई आ जाए। इस तरह से सेंटर मिलाएंगे और पूरा जोड़ देंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे कई लोगों ने पूछा भी और मेरे साथ भी होता है। अब जैसे कि ये कपड़ा है, मैंने पट्टी बनाई थी नाप के, तो कभी क्या होता है कि जब चौक से हम निशान लेते हैं तो मोटी लाइन आ जाती है इसमें। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने चौक चलाई, ये मोटी निशान, अब इसमें इस एक मतलब कुछ सेंटीमीटर का अंतर आ जाता है कपड़े में। कपड़ा हम काट तो लेते हैं, तैयार भी कर लेते हैं, सिलते समय पता चलता है कि कपड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो जब मान लीजिए कभी ये बेल्ट आपकी बढ़ जाती है, इसको आपने ऐसे सिला, अब यहाँ सेंटर पे हम जब पहुँच रहे हैं तो ये हमारा, ये देखिए, ये सेंटर पे हम पहुँचे, हमारा इतना कपड़ा, ये इतना कपड़ा हमारा बढ़ रहा है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऊपर की सेटिंग सही रखिए, ऊपर से जो फ्रंट में ये जो जिप आ रही है यहाँ से सेटिंग सही रखिए। अगर बाय चांस फिनिशिंग देते देते ये बेल्ट, क्योंकि सबसे लास्ट में ही बेल्ट हम जोड़ते हैं और ये बढ़ जाती है, तो इसमें जितनी बेल्ट बढ़ रही है तो मेरी इतनी बढ़ रही है। इसको हम क्या करेंगे, जहाँ पर सेंटर है वहाँ पर जाएंगे, इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे और सिंपल इसको जितना बढ़ रहा है उतना अंदर ऐसे दबा देंगे, उसके बाद इसकी फिटिंग एकदम सही आ जाएगी। जो भी बढ़ने वाला हिस्सा है उसको नीचे जाना चाहिए, इसीलिए मैं हमेशा ऊपर की तरफ से शुरुआत करती हूँ, जहाँ पर ये हमारी जिप होती है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि हमारी बेल्ट अक्सर बढ़ जाती है, मेरी हमेशा तो नहीं बढ़ती, लेकिन जब बढ़ जाती है तो इसका सीधा यही उपाय है कि बेल्ट खोली ना जाए, नीचे उसमें एक प्लेट डाल दें। अब इसको हम मिलाएंगे फिर से, ये देखिए अब ये एकदम सही आ गई, बस ये एक प्लेट हमने डाल दी इसमें, ये अंदर चला गया और ये हमारा सेंटर पे ही हमने दबाया था, सेंटर से सेंटर मिल गया, ये एकदम परफेक्ट आ गया आपके सामने, ये देखिए एकदम परफेक्ट। अब हम पूरा बॉर्डर जोड़ जाएंगे। बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तब आपको कट करना पड़ेगा।
जो बेल्ट हमारी बढ़ रही थी वो एक प्लेट देने से यहाँ पर सारी समस्या का हल हो गया। तो एक चीज़ ये भी आपको आज पता चल गई कि क्या करना एंड टाइम पे अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि हम यहाँ पे जहाँ से हमने ये डी लूप का जोड़ा था उसको खोलें और फिर सिलें, तो इस तरह से टाइम भी जाता है, मेहनत भी जाती है, कपड़ा भी ख़राब होता है। तो उसका सीधा उपाय यही है कि इस तरह से एक प्लेट डाल दी जाए। तो ये प्लेट मैंने ऐसा नहीं कि देखिए हर आदमी में परफेक्शन जरूरी नहीं कि हो, बहुत बिरले ही होते हैं जो बताते हैं मैं बहुत परफेक्ट हूँ, तो समझ लीजिए कि आधा सच आधा झूठ, ये मैं एकदम दावे के साथ कह रही हूँ। दूसरी चीज़ ये कि मैंने भी बता दूं कि जब मैंने शुरू शुरू में काम शुरू किया था ये सब चीज़ों का, तो मैंने बहुत उधेड़ा, कभी इधर नापती थी कभी उधर नापती थी, बहुत परेशान होती थी। फिर बीच में मैं चुनटें देने लगी, उससे सफाई नहीं आती थी। फिर वही कहते हैं ना कि एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। करते करते ये समझ में आया कि जहाँ पे हम सेंटर निकालते हैं वहीं पर अगर ये प्लेट्स डाल दी जाए एक, तो सारी समस्या का समाधान हो जाए। बहुत ज़्यादा प्लेट्स आ रही है तो सिलने के बाद उसको कट कर दीजिए सिंपल। अगर बहुत बड़ी आ रही है, मान लीजिए 1 इंच 2 इंच ज़्यादा यहाँ पे कपड़ा पड़ रहा है, तो उसको कट करना ही पड़ेगा फिर, नहीं तो भद्दा लगेगा। अब ये छोटा सा था 1/2 इंच का, तो इसको काटने की जरूरत नहीं है, ये तो सिलाई में ऐसे ही दब जाएगा, ये यहाँ पता भी नहीं चलेगा सेंटर पे, बस बाहर से देखने पर लगेगा कि हाँ यहाँ पे जोड़ है। तो ये थी एक छोटी सी टिप्स। अब हम दूसरा पीस भी जोड़ देंगे, बस सेंटर से सेंटर मिलाना है और इसको जोड़ते जाना है। सेंटर से सेंटर मिलाया, ये कॉर्नर से कॉर्नर पकड़ा और इसको जोड़ देंगे। बेल्ट हटाते चले, और पास
ये हमारा लैपटॉप है, इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब इसमें हमें सबसे लास्ट में पाइपिंग लगानी है। ये हमारा पाइप का कपड़ा है। इसमें हम सीधी पाइपिंग डालेंगे, आप चाहें तो और ये भी डाल सकते हैं। साथ में पाइपिंग इसलिए नहीं लगाती हूँ, मान लीजिए बाय चांस खोलना ही पड़ जाए, या जैसे वो प्लेट्स हम डाल रहे थे तो फिर वो बड़ा दिक्कत का काम हो जाता है। इससे अच्छा है कि एक बार उसको जोड़ ले, छोटे पाउच हैं तो उनमें दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो जुड़ ही जाने हैं, या जब तक आपको आइडिया ना लग जाए कि हाँ कहाँ क्या करना है तब तक पाइपिंग साथ में ना जोड़ें। अब हम ये जो लग गया था, अब इतने बड़े पीस में पाइपिंग सफाई के साथ जोड़ना, ये भी मैं आज आपको बता देती हूँ। बैग इस तरह से रखिए पूरा, ये बॉटम की तरफ से पाइपिंग शुरू होगी। अब जहाँ पर ये जोड़ है, ये देखिए ये पाइपिंग में जोड़ है, इसको उल्टा कर दें, पाइपिंग का सीधा हिस्सा और बैग का सीधा हिस्सा एक साथ रखें और इसको यहाँ पे उसी पर मशीन चलाना शुरू कर दें। मैं एक तरफ की पाइपिंग जोड़ के दिखा दूंगी आपको, और बहुत दो दूसरी तरफ भी लगाऊंगी तो वीडियो लंबा हो सकता है, तो सीआईडी से आप। अब यहाँ हमारी पाइपिंग जहाँ शुरू की थी उससे एक डेढ़ इंच बड़ी पाइपिंग लेते हुए ये हमारी पाइपिंग इस तरह से आ गई है, और ये जो जोड़ है पाइपिंग का, एक जोड़ लगा था, ये इस तरह से बाहर की तरफ रहेगा।
अब इसको हमें उलट के सिलना है। तो जैसे पाइपिंग जोड़ी थी उसी तरह से फिर से रखेंगे और दोनों सिरों को पकड़ते हुए जहाँ से पाइपिंग जोड़ शुरू हुआ था इस तरह से डबल करते हुए इसको यहाँ पे पलट के इसी तरह से जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ने में आसानी होती है और पाइपिंग सफाई के साथ पूरी लग जाती है। ये देखिए ये हमारी पाइपिंग सफाई के साथ जुड़ जाएगी और बैग भी हमको ज़्यादा उलटना पलटना नहीं पड़ेगा। बेल्ट वगैरह हटाते चले, नीचे की बेल्ट नीचे अंदर डाल दें जिससे कि वो ना सिल जाए।
ये था, ये देखिए इस तरह से ये पाइपिंग पूरी जुड़ जाएगी। तो ये था हमारा आज का लैपटॉप बैग। और इस तरह से इधर भी पाइपिंग आप लोग जोड़ लीजिए, और क्योंकि अगर मैं पाइपिंग जोड़ूंगी और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अब पाइपिंग नहीं केवल जोड़नी है, उतना तो आप कर ही लेंगे। तो इस तरह से ये आपका लैपटॉप बैग तैयार हो जाएगा। ये आपकी जिप इस तरह से खुलेगी, अंदर आपको एक और सिंगल एक कंपार्टमेंट मिलेगा और एक बैक साइड में मिलेगा। इसमें ज़्यादा पॉकेट मैंने नहीं दी है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि क्यों नहीं दी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। हाँ, पाइपिंग जरूर लगा लीजिएगा दूसरी तरफ, क्योंकि अगर मैंने एक तरफ लगाई है तो आपको एक तरफ नहीं लगानी है, आपको दोनों तरफ लगानी है। नमस्कार। Give me the output.